खुशामदीद, आपका स्वागत है नए दिन नए रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी सब्जी बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जो है आलू। ये मिनी आलू है, मैंने इसे हाफ बॉईल करके रखी है, फुल बॉईल नहीं है, हाफ बॉईल है। आप इसे ऐसे भी छिलके बना सकते हैं। इसके लिए मैंने आलू लिए, टमाटर लिए, एक टमाटर को मैंने रफली चॉप करके रखी है, 10 से 12 काजू है और दही है 3 चम्मच। ये होममेड दही है, आप बाहर का दही भी यूज़ कर सकते हैं। और एक कश्मीरी मिर्ची है, इसमें झाल नहीं रहता। 3 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्ची ली है। ये जो रेसिपी है वो रेसिपी का नाम है कश्मीरी दम आलू, आज हम बनाएंगे। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। ये जो कश्मीरी दम आलू है ये मस्टर्ड ऑयल में हम बनाएंगे, इसी में बनाते हैं इसे। मैंने तेल को गरम में रख दिए, तेल इसमें अच्छा से गरम होना, नहीं तो इसमें स्मेल आएगा। तेल गरम होते होते मैंने जो दही लई है, दही को इसे अच्छा से हम फेंटेंगे। अभी दही में इसमें हम ना अदरक यूज़ करेंगे, ना लहसुन यूज़ करेंगे, ना प्याज यूज़ करेंगे, तब भी बहुत ही टेस्टी बनेगा सब्जी। अब इसमें हम 3 चम्मच कश्मीरी मिर्ची ऐड करेंगे। इसी में हाफ चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, आप एक जगह सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छा सा मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करूँगी। एक चम्मच तक मैंने पानी इसमें ऐड करी है। अब इसे अच्छा से हम मिक्स करके रख देंगे। इसमें मैंने मिक्स करने का रीज़न ये है कि हम अगर तेल में डायरेक्ट दही को डालेंगे या मसाला डालेंगे तो फटने का भी डर है और जलने का भी डर है, इसलिए इसमें फेंट के अगर रख देंगे हम तो प्रॉब्लम हमें नहीं आएगा। इसलिए हमें जब भी दही का कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो गैस को एकदम मीडियम रख के बनाना। तो मसाला इसमें मैंने अच्छे से मिला दे। अब उसका बाद जो मैंने ये टमाटर और काजू लिए है इसका मैं एक पेस्ट बना दूँगी। ये जो काजू का फ्लेवर है ये करी में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप मांगते इसे स्किप भी कर सकते हैं, मैं जहाँ तक हो सके इसे आप डालें, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं मिक्सी में काजू और टमाटर को ऐड करके मैं पीस दूंगी। अब तेल हमारा गरम हो गया है, ये तेल में हम आलू को ऐड कर देंगे। आलू को थोड़ा सा मैं काटा चम्मच हल्का हल्का ऐसा कर दूंगी, क्यों, क्योंकि ये अंदर मसाला पहुंचेगा, करके फिर मैं डालूंगी। गैस को मीडियम करके इसे लाल करेंगे हम एकदम। तेल गरम हो जाने के बाद में गैस को मीडियम कर देंगे। अब इससे अच्छे से लाल होकर इसको फ्राई करेंगे, तब तक ये मसालों को मैं पीस दूंगी। अब मैं दोनों साइड से लाल होने के बाद फिर मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको। अब मैंने आलू को अच्छे से फ्राई कर दिए, आलू को मैंने निकाल दिए। अब तेल एकदम गर्म है, इसे एकदम सिम कर देंगे हम। तेल एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में रहना, एकदम ज़्यादा गर्म नहीं रहना। उसमें हम ऐड करेंगे, एक फूल है, दो इलायची है, दो लौंग है, दालचीनी है और 2 हरा मिर्ची को मैंने कट करके ली है। आप मांगता हरा मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे तेल में ऐड कर दूँगी। इसी में 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची और हम और ऐड करेंगे। गैस जोर रखने से मिर्ची जल जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा हल्दी मैं ऐड करूंगी। अब जो मैंने पेस्ट बनाई थी, जो दही में मिर्ची कश्मीरी और जीरा डाली थी, जीरा पाउडर, उसे ऐड कर दूंगी। ये भी एक टिप्स है, अगर कोई भी सब्जी हम बनाते हैं तो दही अगर यूज़ करते हैं तो गैस एकदम मीडियम कर दे या बंद ही कर दे, ऐसी खाली दही तेल में हम नहीं ऐड करेंगे। अब इसी में मैंने जो
एक टमाटर और मैंने काजू को जो पेस्ट करके रखी थी उसे ही मैं ऐड कर दूँगी। अब इसे मैं फ्राई करूँगी, थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी। मैंने जो मसाला जिसमें रखी थी उसी में मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिए, वो पानी को उसमें डाल दूँगी और नमक भी अपना टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें ऐड कर दूँगी। काजू डालने से ये क्या हमारा ग्रेवी एकदम गाढ़ा भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। अब ये मसालों को मैं 1 से 2 मिनट पकने दूँगी, अच्छे से मसाला बॉईल होने लगेगा फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। अब मैंने मसाला अच्छे से बॉईल हो गया है, 2 मिनट तक मैंने मसालों को अच्छे से बॉईल करिए, उसका बाद मैंने इसमें आलू को ऐड कर दिए। वो वीडियो थोड़ा स्किप हो गया है। अब आलू मैंने इसमें हल्का हल्का छेद भी करी है, कम से कम 5 मिनट तक मैं आलू को इसमें रख के पकाऊँगी कि सारा मसाला ये आलू के अंदर में घुस जाए। अब सारा मसाला भी हमारा आलू में एकदम पकड़ लिया है। ग्रेवी इसमें ज़्यादा नहीं रहता, बहुत ही लपटा लपटा है सब्जी रहता है। अब मैं इसे हिटम नमक भी सब चेक कर ले, इसमें गरम मसाला कुछ हम ऐड नहीं करेंगे इसलिए कि मैंने इसमें गरम गोटा मसाला ऐड करी थी। इसमें लहसुन अदरक प्याज कुछ नहीं पड़ेगा, तब भी खाने बहुत टेस्टी रहेगा, इसे एक बार ज़रूर बना के देखना। अब मैं इसे सर्व करके अब दिखाऊँगी आपको। अब हमारा टेस्टी सा कश्मीरी दम आलू बन के तैयार है। अब इसमें 1 चम्मच हम क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम अब ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसी भी खा सकते हैं इसे। क्रीम जो और काजू मैंने डाली है उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अब मेरा कश्मीरी दम आलू बन के तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी है, सिंपल है, आसान से है, ये बिल्कुल झाल नहीं रहेगा। अगर झाल चाहिए तो आप मिर्ची पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, ये बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर मेरे कश्मीरी दम आलू का रेसिपी आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिए। थैंक यू।